हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अगर दिल्ली डाइट डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप किस प्रकार भी दिल्ली डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और 12th में कम से कम फ्रेंड्स 60% से अबव मार्क्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मार्क्स काफ़ी डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पर होता है, इसके लिए कोई पेपर नहीं होता। तो फ्रेंड्स शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स आपको 12th का रिजल्ट का वेट करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स 12th क्लास का जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद ही फ्रेंड्स 5 या 10 दिन के अंदर जो एडमिशन जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि दिल्ली डीएलएड में कितने जो गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं फ्रेंड्स और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज फ्रेंड्स 9 है और प्राइवेट जो कॉलेज है वो 26 है फ्रेंड्स। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपके जो मार्क्स हैं फ्रेंड्स वो 80% से अबव होना चाहिए 12th क्लास में। और फ्रेंड्स ये और अगर प्राइवेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके परसेंटेज जो है वो 60% से अबव होने चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो होती है फ्रेंड्स वो टोटल 2 ईयर्स की जो फीस होती है वो होती है फ्रेंड्स 80,000 से 70,000, मतलब कि 70,000 से 80,000 रुपीज़ टोटल 2 ईयर्स की, क्योंकि ये कोर्स जो होती है वो 2 ईयर्स की होती है। अगर तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है फ्रेंड्स वो 1 रुपये भी नहीं होती, मतलब कि फीस नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एडमिशन आप कहाँ से करा सकते हैं। तो दिल्ली डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स दिल्ली एससीईआरटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जाकर दिल्ली डीएलएड से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जाकर ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स जब भी 12th क्लास का रिजल्ट आता है उसके 10 या 15 दिन के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मतलब कि चांस है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि डीएलएड अगर आप कर लेते हैं तो आप कितने क्लास तक के पढ़ा सकते हैं। तो डीएलएड जो है ये प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है फ्रेंड्स, तो अगर आप ये करते हैं तो आप 1st से 5th तक के टीचर बन जाते हैं, मतलब कि प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। और एक होता है फ्रेंड्स डीपीएससी डिप्लोमा, डीपीएससी जो होता है फ्रेंड इसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। तो डीपीएससी करते हैं फ्रेंड्स तो आप ओनली नर्सिंग